तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी के अंदर का एक कमाल का एक हिडन ऑप्शन बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं एक हिडन मेन्यू बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको एक हिडन मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है, अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट्स वाली ऐप में जाना है। कॉन्टेक्ट्स वाली ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स में जाना है, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट कॉन्टेक्ट में, और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक मेन्यू ओपन हो गया है, जिस मेन्यू का नाम है थर्ड पार्टी अकाउंट विजिबिलिटी। आपको दिख रहा होगा थर्ड पार्टी अकाउंट विजिबिलिटी। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में देख लाइक व्हाट्सअप इंस्टॉल है, व्हाट्सअप दिख रहा है, मीट दिख रहा है, गूगल मीट और टेलीग्राम के ऐप्स दिख रहे हैं। अभी एक्चुअल में यूज कैसे करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बैक आए, बैक आने के बाद पहले देखेंगे आपको कॉन्टेक्ट सेटिंग के अंदर भी एक ऑप्शन मिल रहा है, शो थर्ड पार्टी ऑप्शन। आप देख रहे होंगे पहले भी आपको ये मिल रहा है, तो पहले मैं ये वाला यूज करने बताऊंगा, फिर बाद में वो वाला बताऊंगा। तो इसको यूज करने के लिए मैं आ गया हूँ लाइक अपने कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक कॉन्टेक्ट खोला है और नीचे आपको व्हाट्सअप का सजेशन दिखा रहा है कि भैया ये व्हाट्सअप पे इनेबल है और ये व्हाट्सअप यूज कर रहा है। आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये व्हाट्सअप चल रहा है और ये व्हाट्सअप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और अगर अब मैं बैक आके यहाँ पर वापस जाके यहाँ सेटिंग्स पे जाके इसको यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद वापस उसी कॉन्टेक्ट पे आया और आप देखेंगे अब नीचे आपको व्हाट्सअप का नहीं मिल रहा। मतलब कि जो ये कॉन्टेक्ट सेटिंग में आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप, अगर आप नहीं चाहते कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको दिखे थर्ड पार्टी अकाउंट्स, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। ये वाला इसलिए दिया गया है। और जो वो हिडन ऑप्शन वाला है वो ये वाला कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर जाना है, यहाँ ऑल कॉन्टेक्ट लिखा है इस पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कस्टम लिस्ट में जाएंगे, मैनेज लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो लिस्ट मिलेगी कि आप वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं कि जो भी व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हो वो आपको दिख जाए, या जो भी टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट्स हो वो दिख जाए, या जो भी आपके गूगल मीट्स के कॉन्टैक्ट हो वो दिख जाए। अभी आपको नहीं दिखेंगे जब तक आप उसको इनेबल नहीं करेंगे। कैसे, अब लाइक मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ गया सेटिंग पे, सेटिंग करने के बाद मैंने अबाउट कॉन्टैक्ट पे गया, अबाउट कॉन्टैक्ट में करने के बाद मैंने यहाँ पर हिडन मेन्यू पे क्लिक करा और मैंने यहाँ पर तीनों को ऑन कर लिया। आप देखेंगे तीनों को ऑन कर लिया। इसके ऑन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको, ये मतलब लिस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आपको फिल्टर करने के लिए मिलेंगे। कैसे, अब आ गया यहाँ से डॉट्स पे गया, यहाँ कस्टम लिस्ट पे गया, कस्टम लिस्ट पे क्लिक करा, मैनेज लिस्ट पे गया, तो आप देखेंगे अब आपको गूगल मीट का भी ऑप्शन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे गूगल मीट के कॉन्टैक्ट भी आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आप नीचे करेंगे तो गूगल मीट के कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे, ऐसे ही व्हाट्सअप के भी कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और नीचे करेंगे तो आपको टेलीग्राम के भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब कि ये फिल्टर लगाने के लिए काम करते हैं कि आप इजीली इसमें फिल्टर लगा सके, तो ये ऐसा काम करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।